तो इस तरह का जब भी जो क्वेश्चन आएंगे जैसे 2 का पावर क्यूब, 4 का पावर क्यूब, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 2 का पावर क्यूब का कॉमन ले लेंगे, तो बचेंगे क्या, तो 1 का पावर क्यूब, 2 का पावर क्यूब, ऐसे ही 10 का पावर क्यूब तक। ओके, अब 2 का पावर क्यूब इंटू इतने का वैल्यू कितना है, इतना है यानी 30, 25, इसी को मल्टीप्लाई करना है। 2 का पावर क्यूब सीधा 8 लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि 8 होता है, मल्टीप्लाई कर दी इसको, जैसे 8 पंचे 40 हो गया, 4 कैरी है, 8 दूनी 16 4 20 है, फिर 2 बज गया, 0 नहीं आएगा, 2 आएगा 8 24, जो कि हमारे ऑप्शन में है। तो इस तरह हमें सॉल्व करना है।